There has been sperm mix-up. Please. भैंस की आंखें जल क्या रहा है यहाँ पर? कोई मुझे हिंदी में बताएगा? मैं बताता हूँ. इन्होंने मेरा sperm इनके वहाँ भेज दिया. और आपका sperm यहाँ. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म गुड न्यूज के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही में जानने वाले हैं हम लोग इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी. इसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं इस फिल्म के रिकॉर्ड्स के बारे में और जानने वाले हैं कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाई है या नहीं. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो. तो दोस्तों राज मेहता के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म गुड न्यूज, जो कि IVF टेक्नोलॉजी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर बनाई गई फिल्म है. इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार सर, पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान नजर आई है. वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने. बताते चले दोस्तों आपको कि एक अर्बन क्लास कॉमेडी फिल्म है जिसे कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस काफी पसंद कर रही है. वही दोस्तों सिंगल स्क्रीन पर भी इस फिल्म को अपने सेकेंड डे से काफी शानदार रेस्पॉन्स इंडिया में मिल चुका है. तो अगर यहाँ पर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों 3100 स्क्रीन्स पर लगने वाली सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार एडवांस हासिल की थी. इस फिल्म की जो पहले दिन की एडवांस बुकिंग थी वो रही थी लगभग 5 करोड़ रुपए की. और एडवांस देखने के बाद दोस्तों लग रहा था कि ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 25 से 28 करोड़ की कमाई आसानी से कर लेगी. लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म को सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म से अपने सेकेंड वीक में भी काफी टफ कॉम्पिटिशन मिला. साथ ही में दोस्तों इंडिया में चल रहे टेस्ट के कारण यहां पर गुड न्यूज को भी काफी नुकसान हुआ. उसके बावजूद भी दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म ने अपने पहले दिन 17 करोड़ 56 लाख रुपए की शानदार कमाई की और 2019 की थर्ड हाईएस्ट नॉन हॉलीडे ओपनर बन चुकी थी. दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल के फर्स्ट डे को भी पीछे कर दिया था, जो कि 2019 कॉमेडी फिल्मों की हाईएस्ट ओपनर थी. अब यहां पर बात की जाए इस फिल्म के ओवरसीज कलेक्शंस की, तो दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार और सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की होने की वजह से इस फिल्म को दोस्तों यूएसए बॉक्स ऑफिस पर काफी बंपर ओपनिंग मिली है. और इस फिल्म ने दोस्तों यूएसए बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 2019 की सभी फिल्मों को पीछे कर दिया था, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत और दबंग 3, सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर और सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहू भी शामिल थी. इन सभी फिल्मों को पीछे करते हुए इस फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 8.5 करोड़ रुपए कमाए हैं. इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो रहा था लगभग 30 करोड़ रुपए का. बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिव्यूज मिले हैं. सुपरस्टार अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान, इन सभी एक्टर्स की दोस्तों ऑडियंस काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं. इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30% की ग्रोथ दिखाई. और जहां दोस्तों इस फिल्म की पहले दिन की जो मॉर्निंग ऑक्युपेंसी थी वो रही थी 22% की, वहीं इस फिल्म की जो सेकंड डे की ऑक्युपेंसी थी वो मॉर्निंग से ही लगभग 32 से 35% पर रही. यानी कि इस फिल्म के कलेक्शंस में लगभग 30% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई. और यही वजह से दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 23.62 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की है. इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 2 दिनों में लगभग 41 करोड़ रुपए कमा चुकी है. वही दोस्तों इस फिल्म ने कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. बात करें इस फिल्म के हम लोग सेकंड डे के ओवरसीज कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म को ओवरसीज में भी ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रेस्पॉन्स मिला है. और दोस्तों काफी अच्छे रिव्यूज मिलने की वजह से इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में लगभग 10 करोड़ रुपए कमाए. इस तरह से इस फिल्म का 2 दिनों का ओवरसीज कलेक्शन लगभग 18 करोड़ रुपए का हो चुका है. वही दोस्तों ऑल इंडिया ग्रॉस पर यह फिल्म लगभग 45 करोड़ रुपए कमा चुकी है. इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन होता है वो अपने 2 दिनों का हो जाता है लगभग 63 करोड़ रुपए का. अब बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्युपेंसी है वो शानदार रही है. इस फिल्म के दिल्ली NCR में ही लगभग 300 से ज्यादा शो फास्ट फिल्म मोड पर चल रहे हैं. 120 से ज्यादा शो मुंबई में फास्ट फिल्म मोड पर चल रहे हैं. वही दोस्तों हैदराबाद, बेंगलोर और कोलकाता में भी इस फिल्म के
लगभग 400 शो फास्ट फिलिंग मोड पर चल रहे हैं। यानी कि दोस्तों आज की भी जो इस फिल्म की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है लगभग 40-42% की, और इस तरह से इस फिल्म के आज के भी जो कलेक्शन उसमें भी लगभग 25-30% की ग्रोथ देखी जा रही है। यही वजह है दोस्तों की ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 29-30 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से करने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित होने वाली है। इस तरह से इस फिल्म का 3 दिनों का जो टोटल कलेक्शन होगा वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 70 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुका होगा। वहीं बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों ये फिल्म अपने तीसरे दिन ओवरसीज मार्केट में भी लगभग 10 करोड़ की कमाई करेगी और इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन होगा वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 105-107 करोड़ के बीच का हो चुका होगा। दोस्तों बता दें आपको कि लगभग 80 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए कमाने होंगे और यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में ही 70 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि क्या सुपरस्टार अक्षय कुमार की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा 5 दिनों में पार कर पाती है या नहीं, क्योंकि दोस्तों पिछले हफ्ते रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ने अपने 5 ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। आपको क्या लगता है दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।